Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. शहर की पॉश कॉलोनी साकेत में आज दिन निकलने के कुछ ही देर बाद बदमाशों ने भारत टूरिस्ट बस सर्विस के संचालक वीरेंद्र पाल सिंह के घर को निशाना बना लिया। पत्नी आशा व अन्य को बंधक बनाकर बदमाशों ने बाथरूम में बंद कर दिया। करीब आधे घंटे बदमाश वहां बेखौफ लूटपाट करते रहे। बदमाश अलमारी तोड़कर 25 तोले के जेवर, 1 किलो चांदी व करीब 1 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए। बदमाशों के जाने के बाद बुजुर्ग पीड़ितों ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर लूटपाट की जानकारी दी। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ साकेत के A213 मकान में रहते हैं। वारदात के वक्त उनकी भाभी विजय लक्ष्मी भी वहां थी। बदमाशों ने तीनों को कवर कर लिया था। घटना की जानकारी आशा चौधरी ने यह दी। मेरे साथ जब वारदात हुई तो हम लोग टीवी देख रहे थे जी। और वो एकदम से आए, उन्होंने खट से की, हमने सोचा बंदरिया किसी ने की होगी। तो हम बिना, जब तक कोई बोलता नहीं हम खोलते नहीं, तो हमने मेरे हस्बैंड ने फिर मोनू मोनू इसको आवाज़ दी, तो फिर नहीं बोला। तो उन्होंने उधर से खिड़की से देखा, लड़के से देखा, भाई तुम कौन हो, क्या है, क्यों हो, क्या बात है। तो उस इतनी देर में इधर लॉन में से और कोई आया और उसने दरवाजे में जोर से लात मारी, वो खुल गया, मतलब वो टूट गया। फिर उसके बाद जो है वो अंदर घुस गए, तो वो चार जने थे और चारों ही ब्लैक उसमें ड्रेसअप हुए थे, मास्क था, और वो जो है क्या कहते हैं कि उनके सबके हाथ में रिवॉल्वर थे। अब ये पता नहीं वो असली थी नकली थी क्या थी, क्योंकि मैंने तो एक की ले ली थी, पकड़ ली थी। मेरे को लगा ये बच्चे हैं, हमें पोती के साथ के बच्चे बच्चे हैं कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, वो भी होगी साथ में। वो जो है वो उतनी देर में दो और आ गए, वो बोले गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। तो हमने कहा ले लो भाई। फिर वो हमें इधर ले आए, इस कमरे में बिठा दिया उस वाले में। उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये अलमारी खुलवाई, अलमारी के बाद फिर मेरी चाबी अलग है लॉकर की, फिर वो लॉकर की चाबी बोले दीजिए नहीं ये है, वो गोली मार देंगे। हमने कहा ले लो भाई, वो होती थी। तो जितना अच्छा जो घर में कैश और थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो होती है वो सब ले। कितना कैश था? कैश भी होगा, अब अंदाज़ा तो ऐसे ही होता है 60-70-80 ऐसे होगा। हज़ार है? हज़ार। और सोना? सोना भी होगा, 2-3 सेट थे, चूड़ियाँ थी, चेंज थी, रिंग्स थी, इयररिंग्स थे, ऐसे। तो आप सबको गन पॉइंट पे ही बंधक बना रखा था उन्होंने? हाँ जी, तीनों को। तीन मेंबर थे आप घर में? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे, आपने पुलिस को सूचना दी? बस फिर वो लोग चले गए हमें बाथरूम में बंद करके, फिर हम बाहर निकले उधर से दूसरी तरफ से, और फिर बाहर आए तो बस थोड़ी देरी हुई थी, तो हमारा बेटा आ गया। फिर ये जो है पुलिस को, तो उस समय उसने फोन तो उठाया नहीं उन्होंने, तो ये खुद किया था फिर। अच्छा, पुलिस को फोन करा, फोन नहीं उठाया? मतलब अब हमें नहीं पता क्या हुआ, इसने किया फोन। कितनी देर तक बदमाश घर के अंदर रहे? तकरीबन मतलब ये समझिए 25-30 मिनट, 20 मतलब अंदाजा है, 25-30 मिनट रहे। वीरेंद्र सिंह के बेटे मानिक ने यह बताया। घटना मेरे माता पिता और भाई जी को गन पॉइंट पे लेके और इन्होंने घर में लूटपाट करी है। कितने बदमाश थे? चार बदमाश थे और उन्होंने घर पे तीनों का को लेके और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लगभग कितना क्या क्या लेके घर से? घर से तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये कैश है और घर के में जैसे औरतें सब अपना रखती है, थोड़ा बहुत जेवर, चेन, अंगूठियाँ, 1-2 सेट ये सब सामान है, कुछ चांदी के बर्तन वगैरह, चांदी के सिक्के वगैरह। सबकी कीमत लगभग कितनी होगी कुछ अंदाजा? अंदाजा तो ऐसा हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ करीब 7-8 लाख के करीब तो बैठे। कितने बदमाश थे? चार बदमाश थे घर के अंदर। घर के अंदर चारों नकाबपोश थे। कितनी देर तक रहे वो घर में? वो करीब 20-25 मिनट। अब पुलिस ने आपने कहा, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जल्दी इस केस को खोल देंगे और बता देंगे कि क्या हुआ है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी देवेश सिंह का यह कहना है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का प्रकरण है, साकेत एरिया का नाम साकेत है, साकेत एरिया की घटना है। आवेदक का बताना है करीब 8:30 बजे
चार लोग, पहले दो लोग घर में आए, उसके बाद फिर दो लोग और आ गए। इन लोगों ने चूँकि वृद्ध थे उनको अंकल आंटी कह के एक किनारे कर लिया और उसके बाद उनके पास जो भी कुछ सामान था, ज़्यादा नहीं था बताया, लाकर में सारा आर्नामेंट लाकर में था, कुछ जो था वो जो पहने हुए थे वो सामान ले गए, कुछ पैसे ले गए जो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। क्या उनको घंटों तक हथियारों के बल पर बंधक भी बनाए रखा और बाथरूम में बंद कर दिया था? वो केवल आधे घंटे तक, उनका कहना आधे घंटे तक वो लोग रहे और उनके पास हथियार भी थे। तो लगभग कितना सामान होगा, जो कीमत होगी बता रहे हैं? अब पूरा एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि पैसा ज़्यादा नहीं था क्योंकि घर में पैसा नहीं था और आर्नामेंट उनके सारे लाकर में, बैंक के लाकर में रखे हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सामान उन्होंने नहीं बताया। बदमाशों की संख्या चार बताया अभी तक, कोई ट्रेस हुआ कुछ पता लगा? चल रहा है, बहुत जल्दी उसके हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।